नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ दीपक और मैं आ गया हूँ उलिया नामक एक छोटे से ग्राम में। ये कांकेर जिला में आता है और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ का समझो आखिरी गांव है। तिम्मा परिवार है, उनका आंगादेव यहाँ पर इसी साल बना है। इसे बनने में लगभग 6 से 7 साल लगा है। इस साल आंगादेव की स्थापना यहाँ पर किया गया है। ये आंगा बनाने में 6 से 7 साल कैसे लगा, तो जो इनके पूर्वज हैं उनका पता लगाने में, वो लकड़ी लाने में, बनाने में और ये मेला का आयोजन करने में 7 साल लगे हैं। तो आंगादेव कौन होते हैं, अभी जो यहाँ पर आंगा है उनका क्या नाम है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको यहाँ के जो पुजारी हैं जो ये सारे चीज़ को मैनेज कर रहे हैं उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं। और यहाँ पर अभी बहुत दूर दूर गांव से यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो आए हुए हैं, 100 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। आज मेरा बर्थडे है तो मैं सोचा बर्थडे में क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो सेलिब्रेट कर रहा हूँ मैं अपना बर्थडे जंगल में यहाँ पर। ताल का पत्ता है, ताल के पत्ता से पूरा घेरा किया गया है, ऐसे छत भी जो है ताल के पत्ता से बनाया गया है। यहाँ पर है दाल चावल और टमाटर की चटनी बनाया है। क्या सब्जी बन रहा है भैया अभी? टमाटर आलू भाटा। अच्छा, और क्या क्या बन रहा है? दाल चावल, दाल बनेगा, चावल बनेगा। अच्छा, कल कितना बना था? कल चावल दाल हिसाब अभी तक जोड़ा भी नहीं है। कितना डेग बना कल? कम से कम 4-5 बार। सात डेग। और एक बार में कितना किलो जाता है चावल? एक बार में कम से कम 25 किलो का ऊपर जाता है। 25 किलो के ऊपर जी। अच्छा, लगभग 250 किलो चावल की खपत पर डे है। तो ये पत्तल में ये है, इतना बढ़िया पत्तल है। और यहाँ पर भैया खाना खा रहे हैं और यहाँ पर जो छोटी छोटी बहन है उन लोग पूरे दिन जो यहाँ पे जितने लोग आते हैं उन लोग को खाना खिलाते हैं। और लगभग 1000 से भी अधिक लोग यहाँ खाना खाते हैं। 1000 से भी अधिक लोग खाना खाते होंगे, है ना? जस्ट अभी खाना खा के उठा हूँ और अभी हम जा रहे हैं पहाड़। और जो यूनिटी है ना, जो फ्रेंडशिप है, तो यहाँ पर देखने को मिला है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं पूरे दिन काम करते हैं, जैसे कोई घर में मेहमान आ गया ना, 5 लोग 10 लोग को खिला के थक जाते हैं, पर यहाँ पर 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और मैं तो एकदम कम ही बताया हूँ कि 1000 लोग नहीं, मैं कम से कम 5000 से 10000 लोग यहाँ पर हैं। तो एक बाबा जी हैं, बहुत दूर से यात्रा देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और क्या नाम है बाबा? मावा। मावा है झोला माँ? झोला माँ कहाँ है? झोला माँ झोला झोला में। हाँ हेलो,
एक झोला है इनके पास, पानी का एक बॉटल रखे हैं, एक टार्च रखे हैं और कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। ये है उनका सीक्रेट झोला। और ये झोला माँ का है, ये झोला झोला माँ, ये झोला माँ, इस झोला में कपड़े और पानी का बॉटल ये सब रखे हुए हैं। तो यात्रा घूमने के लिए भैया इस तरह से आए हुए हैं इतने दूर से, तो पानी और खाने का कुछ कुछ सामान लेकर आए। तो यहाँ पर यात्रा शुरू हो चुका है, we'll be right back।
जो आंगा देव आप देख रहे हैं, जो इन्हें पकड़े हुए हैं वो इन्हें नहीं चला रहे, जो देव हैं वो इन्हें चला रहे हैं। बस्तर में, पूरे बस्तर संभाग में यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है बड़े ही धूमधाम से। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।